Hello students, so today we are going to learn standard 7th maths chapter number 13 exponents and power. So first of all we start with introduction. Now exponent and powers में first of all होता है base and exponent. The base किसे कहते हैं and exponent किसे कहते हैं see. We can write large numbers in a shorter form using exponents. जो बिगर नंबर्स होते हैं लार्जर नंबर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स. फॉर सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 10,000. सो 10,000 को अगर हम इसे एक्सपांड कर देंगे सो 10 × 10 × 10 × 10 हो जाएगा 10 × 10 = 100 एंड 10 × 10 = 100 एंड 100 × 100 = 10,000 राइट. सो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 10^4. सो यह 10 इज कॉल्ड द बेस. जो नीचे 10 है इसे हम क्या कह सकते हैं बेस एंड द 4 इज द एक्सपोनेंट. 4 जो है इसे हम क्या कहेंगे एक्सपोनेंट. यानी पूरा जो नंबर है इसे हम बोलते हैं पावर. ओके नाउ द नंबर 10^4 इज रीड एज 10^4 ऐसे हम बोल सकते हैं और सिंपली एज 4th power of 10 और 4th power of 10 ऐसे भी बोल सकते हैं. 10^4 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000. कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000. क्लियर समझ में आ गया बेस किसे कहते हैं एंड एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं. क्लियर नाउ यह आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सम लॉज है जो हमें सीखने हैं यहाँ पे और याद रखने हैं कंपलसरी. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो आपको नोटबुक में 3 times लिखने होंगे ताकि आपको याद रह जाए. द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर का बट यहाँ पे बेस जो है वो सेम होगा देन व्हाट वी हैव टू डू. नाउ सी जब भी बेस सेम होगा एंड बीच में साइन होगा मल्टीप्लाई का सो पावर जो है उसका प्लस करेंगे हम. सो बेस राइट इट हियर 2 एंड पावर्स जो है उसके एक्सपोनेंट्स जो है 2 and 3 इसका हम प्लस कर देंगे. सो 2 + 3 = 5. सो दिस इज द आंसर. सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल देखें -3^4 × -3^3. नाउ बेस आर सेम सो मल्टीप्लाई का साइन है सो पावर का हो जाएगा प्लस. सो -3^4 + 3 = -3^7. क्लियर नाउ द सेकेंड लॉ डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस. अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई था नाउ सेम बेस का हम डिवाइड करके देखेंगे. सो जब बेस सेम है एंड डिवाइड करना है सो जो एक्सपोनेंट्स है इसका माइनस करना ये याद रखना है आपको. जब मल्टीप्लाई होगा देन एक्सपोनेंट का हम प्लस करेंगे जब डिवाइड है तब हम एक्सपोनेंट का माइनस करेंगे. सो 3^7 - 4 सो 3^3. क्लियर. थर्ड इज टेकिंग पावर ऑफ अ पावर. पावर का भी पावर होगा तब हमें क्या करना है. सो जब भी ऐसा हो पावर का भी ऊपर पावर है तो हमें दोनों पावर्स का कर देना है मल्टीप्लाई. सो 2^3 × 2 सो 2^6. क्लियर द नेक्स्ट लॉ इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. नाउ पहले हमने सीखा सेम बेस अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम है. देन व्हाट वी हैव टू डू जब भी एक्सपोनेंट्स सेम है तो हमें बेस का कर देना है मल्टीप्लाई. ओके सो 2 × 3 = 6^3. क्लियर द नेक्स्ट लॉ इज डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स. डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2^4 = 3^4. सो 2^4 सो 2 को हम 4 times लिखेंगे एंड 3 को भी 4 times लिखेंगे. नाउ 2/3 / 4. क्लियर देन नेक्स्ट इज नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0. नाउ अब यहाँ पे देख सकते हो अब बेस में सेम है एक्सपोनेंट भी सेम है. सो डिवाइड है यहाँ पे सो एक्सपोनेंट का माइनस होगा. सो 5 - 5 = 0. सो जब भी ऐसा नंबर आता है 3^0
एक्सपोनेंट में यहाँ पे अगर मेरे पास ज़ीरो है देन आंसर विल बी ऑलवेज वन. क्लियर? ये आपको रिमेंबर, ये आपको रिमेंबर पॉइंट में लिखना होगा और ये आपको याद भी रखना है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ लार्ज नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे? सी यहाँ पे 5 लाख लिया है, सो 5 लाख को हम अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? 5 into 1 lakh, सो पुट 5 as it is. नाउ 1 lakh को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका कितना पावर हो जाएगा? क्या करना है हमें? सिर्फ ज़ीरोस काउंट करने हैं. सी 1 2 3 4 5, 5 zeros. सो हमें क्या कर देना है? 10 raised to the power 5. सो ये हो गया 5 lakh का स्टैंडर्ड फॉर्म. सो ये तो जब सिंपल एक नंबर गिवन होगा तब हम ये करेंगे, बट सपोज़ अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स आएंगे लाइक 3 4 3 0 0 0 0, देन व्हाट वी हैव टू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेना है कि नंबर्स कितने हैं. 3 4 3, सो पुट हियर 3.43. नाउ काउंट द डिजिट्स 1 2 3 4 5 and 6. सो यहाँ पे पावर हो जाएगा 10 raised to 6. दिस इज़ द सिंपल मेथड. देन नेक्स्ट इज 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0. सो द नंबर्स यहाँ तक है 4 तक, देन यहाँ से सारे जीरोज हैं. सो 7.004 लिखेंगे लाइक दैट, देन काउंट द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सो यहाँ पे आएगा 10 raised to 10. तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर एवरीवन? ये दूसरी मेथड से भी हो सकता है बट हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल मेथड लिया है जिससे आपको याद रह सके. क्लियर विद दिस एवरीवन?